हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोनों ही बाइक आपको BS6 में मिलता है एंड दोनों ही बाइक 125 cc सेगमेंट की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइकों की डिटेल कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा कि इस बाइक में आपको क्या क्या मिलता है एंड दोनों में से कौन सा बाइक लेना सही रहेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें एंड स्किप करने की कोशिश ना करें, वरना आपको बाइक्स के बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले दोनों बाइकों की लुक एंड डिज़ाइन की बात करूं तो दोनों ही बाइक कंप्यूटर बाइक है एंड दोनों ही बाइकों का लुक अपने अपने जगह में ठीक है, लेकिन SP125 का लुक शाइन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। शाइन का लुक थोड़ा ऑड टाइप का लग रहा है, ये बाइक एजेड लोगों पर ज़्यादा सूट करेगा। वही दूसरी तरफ SP125 कोई भी एज के लोगों पर सूट करेगा। तो मेरे हिसाब से SP125 का लुक ज़्यादा बेहतर है शाइन से। तो अब अगर दोनों बाइकों की फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो शाइन के इंजन में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक वाला BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन मिलता है, जिसमें आपको 10.74 bhp का पावर एंड 11 Nm का टॉर्क मिलता है। वही दूसरी तरफ SP125 में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक SI विद BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन मिलता है, जिसमें आपको 10.8 bhp का पावर एंड 10.9 Nm का टॉर्क मिलता है। साइन में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड SP125 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। मीटर कंसोल की बात करूं तो साइन में आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है एंड SP125 में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोनों बाइकों के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड रेयर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। साइन के हेडलाइट में आपको हैलोजन बल्ब मिलता है। वहीं दूसरी तरफ SP125 में LED मिलता है। दोनों बाइकों की बैकलाइट में बल्ब मिलता है। दोनों बाइकों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो साइन में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड SP125 में 160 mm का मिलता है। व्हील बेस की बात करूँ तो दोनों बाइकों में आपको 1285 mm का व्हील बेस मिलता है। साइन का कर्व वेट 115 kg है एंड SP125 का कर्व वेट 118 kg है। अब दोनों बाइकों के टायर्स की बात करूं तो दोनों में आपको सेम साइज़ का टायर देखने को मिलता है, जिसमें फ्रंट एंड रेयर टायर का साइज 80/118 है। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना दोनों बाइकों की फीचर एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों बाइकों की प्राइस, माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो दोनों बाइकों में आपको दो वेरियंट देखने को मिलता है, एक ड्रम एंड दूसरा डिस्क। तो अगर साइन की प्राइस की बात करूँ तो इसका ड्रम वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस 68,812 है एंड डिस्क वेरिएंट का 73,512 है, और ये ऑन रोड में 80,000 to 85,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। वही दूसरी तरफ SP125 का ड्रम वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस 74,407 है एंड डिस्क वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस 78,607 है, और ये ऑन रोड में 85,000 to 90,000 के अप्रॉक्स का पड़ेगा। अब दोनों बाइकों की माइलेज की बात करूं तो साइन में आपको 60 to 65 के अप्रॉक्स का माइलेज मिलेगा एंड SP125 में आपको 65 के अप्रॉक्स का माइलेज मिलेगा। एंड दोनों बाइकों की टॉप स्पीड की बात करूं तो दोनों ही बाइकों में आपको लगभग सेम 100 के अप्रॉक्स का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना दोनों बाइकों की डिटेल्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा बाइक आपको लेना सही रहेगा। तो दोस्तों, दोनों बाइकों का फीचर एंड स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक सही रहेगा, कोई भी ले सकते हैं। अगर आप बेहतर लुक वाला बाइक लेना चाहते हैं तो आप SP125 ले सकते हैं, जिसमें आपको 5,000 ज़्यादा देना होगा। माइलेज के लिए दोनों ही बाइक सही है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इन दोनों बाइकों की सारी डिटेल्स के बारे में बताया। अब डिसीज़न आपको लेना है कि आप कौन सा बाइक लेने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सा बाइक लेने की सोच रहे हैं एंड अगर आप कुछ पूछने की सोच रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।